तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं छोले की रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करें और वीडियो पूरी देखना प्लीज़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है फ्रेंड्स, तो बहुत ही पतला कपड़ा है। और ये ले लिए हैं हमने आंवला सूखा हुआ और दो तेज़पत्ता और दो लौंग और 10 से 15 काली मिर्च और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा जिसे तोड़ के डाल दिया हमने, और एक बड़ी इलायची इसे भी तोड़ के डाल दिया। तो 1 चम्मच लेंगे हम चाय की पत्ती। अब इन सभी को एक पोटली बना लेंगे इन सभी की। तो इस तरह से बनाएंगे एक पोटली और इसे रख देंगे। और ये हमने छोले भिगो के रखे थे, वो फूल गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छोले बहुत ही अच्छे फूले हैं। अब इन्हें डाल देंगे कुकर में। तो छोले कुकर में डालने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तो ये मीठा सोडा है फ्रेंड्स। तो उसके बाद डालेंगे हम पानी 2 ग्लास, और उसके बाद जो पोटली बना के रखी थी वो डाल देंगे, और डाल देंगे 1 चम्मच नमक। उसके बाद करेंगे कुकर का ढक्कन बंद और रखेंगे गैस पे। तो उधर हमारे छोले उबलेंगे, तब तक इधर गैस पे रख लिए हमने कढ़ाई। उसमें डाल दिया 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो 2 बड़े प्याज हमने काट के रखे थे उन्हें भी डाल दिया है ऑयल में। तो इसी तरह से चलाते हुए 1 मिनट तक तल लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो इसे भी तल लेंगे। तो इन सभी को अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स गोल्डन होने तक। उसके बाद डालेंगे हम अपने मसाले। तो इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को गोल्डन करना है। तो प्याज गोल्डन हो गया, उसके बाद 1 चम्मच डाल दिया हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है फ्रेंड्स, और ये 1/2 चम्मच डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी को मिक्स करेंगे 1 मिनट तक, इसी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो मसाले हमारे भुन गए हैं। उसके बाद डाल दिए हमने कटे हुए टमाटर। फ्रेंड्स, ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर हैं, तो इन्हें हमने काट के रखा था, तो टमाटर भी हमारे पक गए हैं। तो इन्हें निकाल लेंगे एक मिक्सी जार में और इन्हें पेस्ट बना लेंगे। तो इधर हमारे छोले उबल के तैयार हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो गैस पे रख दिया हमने एक भगोना, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है और 1 चम्मच डाला है जीरा और 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी हींग। तो जो हमने मसाले का पेस्ट बना के रखा था उसे डाल दिया है ऑयल में। तो इसी तरह से चलाते हुए फ्रेंड्स हमें इसे पकाना है, जब तक ये तेल न छोड़ दे तब तक हमें मसाले इसी तरह से पकाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो मसाला हमारा भुन के तैयार है। उसके बाद डाला है 1 चम्मच हमने छोले मसाला, और डालेंगे 1 चम्मच नमक। फ्रेंड्स, नमक हिसाब से ही डालें क्योंकि पहले हम नमक डाल चुके हैं, तो थोड़ा ही नमक डालें। तो अब डालेंगे हम अपने छोले और इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। तो छोले भी फ्रेंड्स हमने डाल दिए हैं, ये देखिए, और इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स इसी तरह चलाते हुए। तो अब डाल देंगे हम पानी। तो फ्रेंड्स, हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है, तो थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा हमें 1/2 गिलास और डालेंगे इसमें पानी। तो अब इसे ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में चलाते हुए चेक करेंगे छोले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोले चेक किए हैं, उसके बाद ढक के फिर से पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छोले हमारे बन के तैयार हैं। हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो छोले बहुत ही टेस्टी बने थे, एक बार ट्राई ज़रूर करें, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी ये कैसी लगी। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।